माइल गेम अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। इलाकाई बुलेटिन का बकायदा आगाज करें, आपको बताएं कि ईद उल फितर के करीब आते ही खवातीन खुद को सजने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लेती हैं, वहीं ब्यूटिशियन की मांग में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त चनियोर के मशहूर ब्यूटी क्लिनिक पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, आगाह कीजिएगा कि खवातीन ईद के लिए किस तरह खुद को संवार रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, ईद के आते ही खवातीन अपने आप को सजने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर लेती है। मैं सब मौजूद हूँ एक शहर के मशहूर ब्यूटी पार्लर पर और मेरे साथ यहाँ पर एक ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ईद की आमद है, इस हवाले से खवातीन क्या सर्विस लेने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? विनीश अब्दुल्ला फ्रॉम बिनोज ब्यूटी क्लिनिक। यहाँ पे खवातीन क्या सर्विस लेने के लिए आ रही हैं? ब्यूटी सलोन पे हमेशा जो है फीमेल्स जो होती हैं उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ईद करीब है तो हर फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हैं। बहुत सी आती हैं क्लाइंट्स जो कि हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह लेती हैं, हमारी बहुत सी डील्स लगी हुई हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने ब्यूटिशियन एक्सपर्ट विनेश की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि ईद की हर खवातीन की ख्वाहिश होती है कि हम डिफरेंट नज़र आए। हम यहाँ पर मेडिक्योर पेडिक्योर सर्विस दे रहे हैं, लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं खवातीन। मेरे साथ इस वक्त कुछ खवातीन है वो सर्विसेज करवा रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी मैंने फेशियल लिया है, मैनी पैडी लिया है और हेयर ट्रीटमेंट भी करवाया है। जैसे कि ईद बहुत नज़दीक है और हर बंदा चाहता है कि बहुत खूबसूरत नज़र आए, इसलिए मैं आज विनीश के सलोन बिनोज की क्लिनिक पे आई हूँ ताकि मैं बहुत खूबसूरत नज़र आई और मैं आज इनकी मैनीक्योर और पेडिक्योर की सर्विसेज ले रही हूँ। ऐसा है कि बीइंग अ मुस्लिम ईद हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है और सबसे ज़्यादा इसका जो जोश और खरोश होता है वो लेडीज़ में और बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि बहुत सालों से ही ब्यूटिशियन जो है हमारी विनीश इनका ही इंतखाब कर रही हूँ और विनीश को ही मैंने हमेशा से सिलेक्ट किया है, तो मैं अपनी ईद की खुशियाँ जो है वो दुबाला करने के लिए और अपने फेस पे बाकी सर्विसेज के लिए ग्लो चाहिए मुझे और जितना भी मैनी पैडी और जो भी सर्विसेज मुझे अपने हाई एंड पे चाहिए होती हैं हमेशा मैं विनीश का ही इंतखाब करती हूँ। इस दफ़ा जो है लेयर कटिंग बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है तो फिर इस वजह से मैं अपना लेयर कट करवा रही हूँ ताकि एक ब्यूटीफुल लुक हासिल कर सकूँ। जैसा कि आपने ब्यूटिशियन की बात सुनी और यहाँ पर कस्टमर फीमेल की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि ईद एक खुशियों का त्यौहार है और ये जाहिर सी बात है कि हर खवातीन हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर ईद पर फिर नजर आए। जी फूलनगर के करीब हेड ब्लॉकी रोड ओल्क मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, फैसलाबाद से कसूर जाने वाली मुसाफिर बस ओवर स्पीड के बायस उलट गई, 3 अफराद जांबाग जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। सड़क पर स्पीड ब्रेकर की वजह से टायर ब्रस्ट होने के बायस गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। जांबाग होने वालों में मोड़ कनाडा का रिहायशी 37 साल बाबर और मोड़ कनाडा का रिहायशी 60 साल मोहम्मद आशिक भी शामिल और एक नामालूम अधेर उम्र शख्स शामिल है। हादसे के तमाम जख्मियों को ट्रामा सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 40 साल मोहम्मद सईद, 20 साल बिलाल, 32 साल इरफान, 33 साल शकील, 52 साल इफ्तिहार, 48 साल अब्बास हुसैन, 37 साल दोस्त मोहम्मद, 36 साल बरकत, 62 साल अनायतुल्ला, 30 साल यासिर महमूद, 38 साल नजमा बीबी, 35 साल नईम असगर और 65 साल शरीफा बीबी और दीगर शामिल हैं। रहीम यार खान में इजलास, जिला के तमाम रेवेन्यू अफसरान की मजमूई और इंफरादी कारगिदगी का जायजा लिया गया। रेवेन्यू अफसरान की नाकिस कारगिदगी पर डिप्टी कमिश्नर बरहम, कारगिदगी मुकर्रा मुद्दत में सरकारी वाजबात वसूली अहदाफ की तकमील से मशरूत, सरकारी वाजबात वसूली अहदाफ की तकमील न करने वाले रेवेन्यू अफसरान को सरमिट कर दिया गया। रेवेन्यू अफसरान सरकारी वाजबात के मुकर्रा मुद्दत में 100% वसूली यकीनी बनाए, रेवेन्यू अहदाफ वसूली में नाकामी पर कोई उसर कबूल नहीं किया जाएगा। चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमीशन ने अपने अफसरान और वेल्ड स्टाफ की रोजाना की कारगिदगी रिपोर्ट भिजवाई। गंबड़ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल लतीफ शेख की जानी म्यूनसिपल के छोटे मुलाजमीन के लिए उम्रे की कुरंदाजी की गई, जिसमें 4 खुशनसीब म्यूनसिपल मुलाजमीन नियार अहमद, सियाल गुलाम, थियोनो नवीद अहमद शेख और परवेज अहमद मेमन के नाम निकले। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी अब्दुल लतीफ शेख और वाइस चेयरमैन सैयद सजाद हैदर बुखारी ने कहा कि सिंध हुकूमत से इन चारों मुलाजमीन के लिए उम्रे के लिए फंड लिए थे। म्यूनसिपल कमेटी गंबड़ के इन छोटे मुलाजमीन के कुरंदाजी में उम्रे के लिए उनके नाम निकाले गए, जिसमें नियार अहमद, सियाल गुलाम, अली थियो, नवीद अहमद शेख, परवेज मेमन शामिल हैं।
जिनको जल्द ही म्यूनिसिपल कमेटी गंबट की जल्द ही उम्र की सादत के लिए भेजा जाएगा। मानोवाला थाना के चंद कदम के पासे पर मौजूद निजी बैंक से निकलते हुए गैर सादा लोह देहाती से 1,00,000 रुपए की डकैती। कोर्ट बार के रिहायशी ताज दीन की ईद के बाद बेटी की शादी थी, शादी की तैयारी के लिए 1,00,000 रुपए बैंक से निकाले, महंगा पड़ गया। 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर मंडी मोड़ के करीब जाकर छीन लिया। ताजदीन के मुताबिक डाकू का एक साथी बैंक से ही छुप पीछे लगा गया था। इस सारे वाकई का दरख्वास्त पुलिस को दे दी गई, ताहम अभी तक एफआईआर दर्ज ना हो सकी। ओकाना डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर रमजान मुबारक में जाली मशरूबात की सप्लाई नाकाम बनाने के लिए फूड सेफ्टी टीम सरगरम। तफसीलात के मुताबिक सिली ऑफिसर अब्दुल अजीम की जेर निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर तायरा कलसूम और उनकी टीम ने नूरशाह रोड अड्डा R339 में जाली मशरूबात बनाने वाली सोडा वाटर फैक्ट्री की इंस्पेक्शन की। मशरूबात की तैयारी में नाकाबले फ्लेवर्स और गैर मियारी अज्जा की मिलावट की जा रही थी। मिलावट शुदा वाटर की फिलिंग के लिए मारूफ ब्रांड्स की बोतलें इस्तेमाल की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने जाली फिलिंग मटेरियल जब्त करके फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि होराक में जालसाजी एक संगीन जुर्म है। जालसाज माफिया का हाथमा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। सजावल में 103 साल कदीमी जामे मस्जिद सजावल में 27 रमजान मुबारक को तरावी नमाज में हतमुल कुरान शरीफ की तकरीब मुनक्किद की गई। तरावी नमाज कारी मोहम्मद सुलेमान ने पढ़ाई। तकरीब से मौलाना मोहम्मद इस्माइल कासमी ने खताब करते हुए कहा, रमजान मुबारक का महीना अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मगफिरत का महीना किया है। हमें चाहिए कि इस महीने में अपने गुनाहों की माफी मांगकर आपको जन्नत का हकदार बनाएं। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से निजात का है। तकरीब में नाथवानी ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। तकरीब के अहतमाम पर वतनी अजीज पाकिस्तान की सलामती और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की इसराइली जारिया से निजात के लिए दुआएं भी की गई। सिंध भर की तरह संजर चांग में भी कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से गैर खानदानों के लिए मर्द खावतीन के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। जो भी खानदान 60 PMT स्टोर से नीचे स्कोर होने वाले होंगे, ऐसे अफराद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रमजान रिलीफ पैकेज के तहत गरीब और नादार खानदानों सस्ते दामों खाने पीने की एशिया दी जाएंगी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% सस्ती एशिया दी जाएंगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि नौशेरू फरोज के नवाही गांव दरबेलू में ईद के कपड़े ना लेकर देने पर 16 साल नौजवान अब्दुल रहमान वल्ताज मोहम्मद सुहाग ने दुकान के अंदर फांसी देकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर ठारो शाह पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम जहां करवाया गया उस अस्पताल के नौजवान को लाश विरसे के हवाले कर दी गई। इलाके में शोक की फिजा कायम हो गई। टेक्सला में साबका काउंसलर अरशद महमूद के बड़े भाई नुसरत महमूद के चचा साद भाई और जुनेद के वालिद मोहतरम जावेद अख्तर रमजान मुबारक के बार बरकत महीने की 27वीं शब अपने खाली के हकीकी से जा मिले। महरूम आला अखलाक के मालिक सोम और सलात की पाबंद और तहकीकी आशिक रसूल थे, जिनका नमाज जनाजा गोदू गांव तहसील टेक्सला में अदा करने के बाद हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। महरूम के छोटे भाई भी चंद दिन पहले रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह को प्यारे हुए थे। अल्लाह ताला ने इंसान की दुनिया में आने की तरतीब बनाई, लेकिन जाने के लिए कोई तरतीब नहीं। 85 साल के बूढ़े वालिद अपने दोनों बेटों के जनाजे में शिरकत करते हुए अल्लाह की रजा में राजी हुए। जिला टट्टा में डायरिया ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। पानी की किल्लत और साफ सुथरा पानी ना मुहैया होने की वजह से डायरिया के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। 24वें घंटे में 300 केसेस रजिस्टर हुए। डायरिया के मरीजों में बच्चे, बड़े, जवान और खवातीन भी शामिल हैं। टट्टा के साहली इलाके के बंदर, घोड़ा बारी, मीरपुर, साकरू, गारो, टट्टा, मुखली और दीगर इलाकों के डायरिया बीमारी के मरीजों को सिविल अस्पताल मुकम्मल में मुंतकिल कर दिया गया। डायरिया के मर्ज की वजह से सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डायरिया काबू पाने वाली अद्वियात की भी किल्लत पैदा हो रही है। हैपुर मीरस के इलाके कोटीडीसी शुगर मिल हैपुर मीरस के करीब मजदूर के घर में अचानक आग बड़क उठी। हैपुर शुगर मिल के मेहनतकश मजदूर अली खान गोपांग के घर का चूल्हा जलने से अचानक आग लग गई। घर के मालकान सर बचाने के लिए बाहर निकल आए। अहले इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। अचानक आग लगने से गहरा पूरा सामान
अनाज, चारपाई और भी दीगर सामान घर का जलकर राख हो गया। टाउन कमेटी कोडी डीजी के चेयरमैन एहसान उल्लाह हासेली और टाउन ऑफिसर कोडी डीजी के फायर ब्रिगेडर की मदद के लिए बार बार कॉल करती रही, लेकिन हमारी कॉल फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। फायर ब्रिगेडर की गाड़ी अगर वक्त पर पहुंच जाती तो हम शायद नुकसान होने से बच जाते। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।